होया किस तरह है Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mutahir Gill and you all watching my official YouTube channel Lil Gill. कैसे आप लोग, उम्मीद करूंगा तमाम के तमाम खैरियत से होंगे. और भाई वैसी वीडियोस देखी जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए. इस वक्त मैं जा रहा हूं जी मुंड गुमरी रोड इतना ही बड़ा मुश्किल है. इस वक्त मैं जा रहा हूँ मुंड गुमरी रोड लाहौर और वहां पर जाके हमने अपनी गाड़ी का काम करवाना है. और आप लोगों का चलूँ कि आपके भाई ने खरीद लिया जी नई रिबॉन, नई तो नहीं यूज लेकिन मेरे लिए नई है. ये है जी सिविक 2012 मॉडल, फुल ऑप्शनल विद ऑटोमेटिक गेट सिस्टम. और इसके अंदर एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल है और उसके बाद इसके शीशे भी टिंट हैं और उसके बाद इसमें सनरूफ भी है. यार ये गाड़ी के फीचर्स मैं आपको बताऊं, सिविक एक्स वाले तमाम फीचर्स इस गाड़ी में मौजूद हैं सिवाय स्टेयरिंग कंट्रोलर के, क्रूज के, बाकी तो तकरीबन सिविक एक्स वाला ही मजा है. अगर मैं गलत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं जी मुंड गुमरी रोड लाहौर मियाँ जी के पास और उनसे हमने अपनी गाड़ी को करवाना है ऊंचा, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है उसके शॉक्स की जगह कॉयल ओवर डले हुए हैं और आप लोगों को पता है कि कॉयल ओवर से गाड़ी डाउन हो जाती है. लेकिन मैं वो वाहिद रिबॉन का ओनर हूँगा जिसने कॉयल ओवर निकाल कर उसके अंदर शॉक डलवा रहा होगा. लोग शॉक डलवा के कॉयल ओवर डालते हैं लेकिन मैं कॉयल ओवर निकाल के शॉक डलवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी गैराज के अंदर नहीं खड़ी होती. और 2 वीक हो गए हैं मैंने गाड़ी ली हुई है. कभी मैं गाड़ी को मार्की में खड़ा करता हूँ और कभी मैं गाड़ी को अपनी गली में खड़ा करता हूँ. लेकिन मुझे टेंशन लगी जाती है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती. तो इस वजह से अब मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरी गाड़ी गैराज के अंदर खड़ी हो. और आप लोगों को पता है जी कि गाड़ी वही होती है जो गैराज के अंदर खड़ी हो, बाहर खड़ी रहती है तो कभी स्क्रैचेस और कभी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो गाड़ी पे चढ़ के उसके अंदर मतलब स्क्रैचेस वगैरह मार देते हैं. लेकिन अब जाकर मैं उसके अंदर जो कॉइल ओवर है वो निकाल कर शॉक डलवाऊंगा और जो कि शॉक हमें मिलेंगे बिलालगंज से. पहले चल के मियाँ जी को गाड़ी चेक करवाएंगे कि गाड़ी चेक करें इसके अंदर क्या है, अगर कॉइल ओवर नहीं है, शॉक है, तो किस तरह इस गाड़ी को हम ऊंचा कर सकते हैं जो कि हमारे गैराज के अंदर इजीली चले जाए. इसको हम इसकी ओरिजिनल पैकिंग में लाएंगे और गाड़ी जंप भी करती है जिस तरह डाउन टू अर्थ गाड़ी जंपिंग करती है, उस तरह ये गाड़ी भी जंप करती है, क्योंकि भाई कॉइल ओवर डले हैं जाहिर सी बात है जंपिंग करेगी. अभी चलते हैं और फिर मियाँ जी से मुलाकात करते हैं और उनको बताते हैं जी क्या साड़ी गड्डी है, गड्डी ने ऊंचा करना है, बड़ी जमीन नाल कसीटियां खांदी है. तो बाहर से फिर आपको वर्कआउट भी करवाऊंगा गाड़ी जब रुकेगी कि कितनी डाउन है. तकरीबन आधा आधा व्हील जो पिछले फेंडर से वो गाड़ी के अंदर ही है. और इस बंदे ने गाड़ी जो जिससे मैंने बाय की है उसने इसको पूरा मॉडिफाई करवाया हुआ था, स्पॉयलर भरे वाला, उसके बाद रिम्स ए टू जी हर चीज. तो रिम और स्पॉइलर वगैरह उसने उतार लिया, उसके बाद इधर वगैरह लगे हुए थे कुछ हबशी वगैरह लिखा हुआ था, क्योंकि गाड़ी है वो फुल काली है तो आपको पता है जो फुल काला होता है वो फिर हबशी होता है तो उसने हबशी वगैरह लिखवाया हुआ था. तो खैर उसने वो तमाम चीजें उतार के हमें खाली गाड़ी जिस तरह ओरिजिनल हालत में होती है वो हमने हमारे सुपुर्द कर दिया. अब चलते हैं मियाँ जी से और उनको बताते हैं जी क्या साडा मसला है, इस मसले नु हल कर सा, पीस आउट जी. तो पहले हम गए मियाँ जी के पास, मियाँ जी ने करता कम लंबा, आपा नु लंबा कम नहीं चाहिए सी, ते आपा फिर गया जी आपा बिलालगंज चल के उत्थों करवा ला. इस वक्त हम जी मौजूद हैं बिलालगंज लाहौर में जहाँ पर कट्टी गाड़ियाँ, पूरी गाड़ियाँ, आधी गाड़ियाँ, फुल गाड़ियाँ सब आपको यहाँ पर मिल जाता है. और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियों का रश है. और हमारी दूसरी गाड़ी वो आगे प्रिया साहब देख सकते हैं, वो भी आई हुई है, उसका भी कुछ काम होने वाला था. तो अभी यहाँ से सिर्फ हमने 2 स्प्रिंग लेके करवाने हैं. ये आप देख सकते हैं कि लोगों की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खुली पड़ी हुई हैं और अब हम भी यहाँ से लेके अपनी गाड़ी के स्प्रिंग जो है वो चेंज करवाएंगे. तो पहुँच गए हैं, देखते हैं कि गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है या नहीं मिलती. और वेट कर कर के कि इंसान की हालत भी बुरी हो जाती है और उसके लफ्ज़ भी जो स्लिप होने लग जाते हैं. और मेरा अभी वही हाल हुआ है, नाश्ता भी मैंने थोड़ा सा किया था वहाँ पे लक्ष्मी चौक पे, काली मिर्चों वाले चने बहुत फेमस हैं, मैं वो खाए लेकिन मज़ा नहीं आया तो मैंने थोड़ा सा खाया, बस ज़्यादा नहीं खाया. अब चलते हैं आगे, देखते हैं जी कि गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है या नहीं मिलती, लेट्स सी. देख सकते हैं यहाँ पर फुल फंसी पड़ी हैं गाड़ियाँ, तो रिक्शे वाला मेरे तो तपदा पे है.
टाइम जी बिलालगंज लाहौर में फिर रहे हैं और जो गाड़ी है वो खुलने के लिए दे दी है, बहुत ही मुश्किलों के बाद गाड़ी को खुलने के लिए दे दी है। अब रास्ते को क्रॉस करते हुए शॉप भी लेने हैं गाड़ी के। बूट ना काम खराब कर देना, स्लिप हो जाते हैं, स्लिप लेसिस नहीं ना इनके। खैर चलते हैं और स्प्रिंग लेते हैं और गाड़ी अपनी ऊंची करा के घरों को निकलते हैं। पुराने पाक की तालीम भी दे रहे हैं और दूसरी जगह यहाँ पर प्रियस का भी काम हो रहा है, इसके चिमटे का और शौक का थोड़ा सा काम होने वाला था वो हो रहा है। और ये जो प्रियस मौजूद है ये लाहौर में चौथी के पांचवी प्रियस है जो कि सनरूफ के साथ फुल ऑप्शन लाई है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मेरी आगाही करें या और भी प्रियस है तो मुझे इंस्टाग्राम पर उनकी पिक्चर सेंड करें, हम उनका रिव्यू लाजमी करेंगे। जी तो गाड़ी जो है वो हमने ठुआ ली है, अब वॉश और सर्विस करवा के सीधा घर जाएंगे। और आज के हमारे गेस्ट हैं द वन एंड ओनली सनमट जट साहब, ये आज हमारे गेस्ट हैं। जट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज आप हमारे मेहमान हैं, जट साहब हमारे साथ जाएंगे। जैसे ही गाड़ी वॉश होती है सीधा यहाँ से घर जाएंगे और देखेंगे कि अब गाड़ी ऊपर चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, तो अब बाद में पता चलेगा। होया किस तरह है? बची जा रहा, बचाया जो